मेरा नाम मुन्ना झा है और मैं पिछले 12-15 सालों से पर्यावरण के मुद्दे पे काम कर रहा हूँ। मतलब मैं कार्यकर्ता हूँ पर्यावरण का और कोशिश करता हूँ कि देश भर में जितने भी पर्यावरण के मुद्दे पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिल के काम करूँ, जो आंदोलन चल रहे हैं उनके साथ खड़ा रहूँ और जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो अच्छी नीतियाँ हैं उनकी तारीफ करूँ और जो बहुत ख़राब नीतियाँ हैं उनका खुल के विरोध करूं। मैं यही। नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का चापाल संवाद में आपका स्वागत है। चलते हैं हम अपने साथी से पूछते हैं जाने का प्रयास करते हैं कि आज का जो कार्यशाला था वायु प्रदूषण, उसके बारे में इनका क्या विचार है? देखिए, वायु प्रदूषण पे विचार तो मैं नहीं रख सकता। वायु प्रदूषण लोगों के जीवन का मसला है ना। जैसे लोग खाना खाते हैं, जैसे लोग चलते हैं, सोते हैं, है ना, वो एक आदमी के बनने की पूरी प्रक्रिया है वायु प्रदूषण। वायु अगर प्रदूषित रहेगा तो आदमी जो बनता है ना, जितना चलता है ना, जितना काम करता है, उसकी पूरी जो जीवन प्रक्रिया है, जो लाइफ साइकिल है ना, वो प्रभावित होगी। तो ये कार्यक्रम दरअसल सचमुच उस विषय पे था कि हम लोगों के जीवन को कैसे स्वस्थ बना पाए और स्वच्छ बना पाए। हमारी जो हवा इस समय बहुत ख़राब हो चुकी है, मैं नहीं कहूँगा कि खराब, बहुत ख़राब हो चुकी है, और जिस पे लोगों का ध्यान आकर्षण भी करना था कि वो हवा को कैसे साफ़ करें। लोग, सरकार, जो हमारी नीतियाँ हैं वो सब मिलके कैसे वायु में जो विभिन्न तरह के धूलकण इस समय मिले हुए हैं, जो घातक खतरनाक धूलकण हैं, उसको ठीक करने के लिए एकत्रित होके कैसे बात करें, इसी पे ये बातचीत थी आज यहाँ पे। पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या आज हो रही है उसके लिए मनुष्य जिम्मेवार है और पेड़ों की अंधाधुन कटाई हो रही है, तो उस पर सर आपका क्या विचार है कि अगर पेड़ों की अंधाधुन कटाई की जाएगी और उम्मीद किया जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण न हो, तो ऐसा संभव है क्या? देखिए, अब आप हमारा अपनी जड़ों को ख़त्म कर रहा है जो काट रहा है ना, तो वो एक मॉडल है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हम लोग को बहुत पीछे जा के सोचने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। पीछे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 साल पहले ये जो औद्योगिक क्रांति हुई है उससे पीछे जाके सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है जब लोग मानव बन रहे थे, है ना, जब हमारा पूरा प्रकृति बन रहा था, जो हमारे प्रकृति के नियम हैं, चाहे वो नदियों का नियम हो, तालाब का नियम हो, अपना एक जंगल का नियम हो, है ना, हमारे रहने बसने का जो नियम है उसको जब हम ख़त्म कर देंगे और बहुत टेक्नोक्रेट हो जाएंगे, है ना, तो इस तरह के मॉडल क्रिएट होते हैं जिसमें पेड़ को काटा जाता है, शिफ्ट किया जाता है ना, और उसमें बचता नहीं है कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं बचता। तो सर, पेड़ों की अंधाधुन कटाई कर और जो विकास की जो हम सपना देख रहे हैं, तो कहाँ तक मैंने सही लग रहा है? चूँकि अगर हम लोग अंधाधुन पेड़ों की कटाई करेंगे और विकास कहेंगे, तो इस प्रकार के विकास को कौन सा विकास कहेंगे कि मनुष्य अगर पर्यावरण प्रदूषण से अनेक से समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, अनेक बीमारियों से, तो वो किस प्रकार का विकास कहा जाएगा? कि इस तरह का विकास तो मनुष्य के लिए बहुत घातक होगा। बिल्कुल घातक है। अगर घातक नहीं होता तो हमारे आसपास में जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए सुबह शाम, कहीं चले जाइए, वहाँ मरीज़ों की भीड़ होती है ना। किसी मेडिकल स्टोर में चले जाइए, दवाइयों के लिए लाइन लगी रहती है ना, और पानी से लेके हर जगह पे आप आरओ का सिस्टम, आपको फ़िल्टर आरओ से पीना पड़ रहा है ना, और कई तरह, मतलब मैं एग्जांपल्स नहीं दे सकता। लोग बोल रहे हैं एम्स खोलो और हॉस्पिटल खोलो, है ना, अभी बीच में इंसेफ्लाइटिस से लोग बच्चे मारे गए, है ना। तो ये जो विकास का मॉडल है इसमें आप तो बच नहीं सकते हैं, है ना, आप रास्ता निकाल सकते हैं। रास्ता क्या हो सकता है ना, रास्ता यही हो सकता है कि आप कम से कम शहरीकरण करें, है ना, कम से कम विकास का जो दबाव है ना, वो गांव तक लेके जाए, ठीक है, कम से कम ऐसी नीतियां बनाएं जिससे बहुत नुकसान ना हो पर्यावरण को, है ना, क्योंकि हमारा जो पूरा मानवीय विकास है वो इतना आगे निकल चुका है। जब हम एटमिक दुनिया की बात करते हैं, है ना, जब हम चांद पे जाने की बात करते हैं, जब सुपरसोनिक आदमी होना चाहता है ना, तब पीछे तो मुड़ के नहीं देख सकते आप। अब वो तो बचा नहीं है हमारे पास, अब बचा ये है कि हर एक आदमी, जैसे आप हो सकते हैं, हम सब हो सकते हैं,
वो अपने अपने स्तर पे कैसे कम नुकसान पहुंचा सकता है ना, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे वो नदी को लेके हो, चाहे वो पेड़ को लेके, उसी से बचेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद।